हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के रेलवे जोन के बारे में कि भारत में कितने रेलवे ज़ोन हैं कहां कहां पर रेलवे जोन है इसके अलावा इनकी स्थापना कब हुई थी इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में जो भी हम यहां पर पढ़ेंगे तो इसी वीडियो के दौरान आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए पहले हम इसमें थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे इसके अलावा लास्ट में हमारा एक छोटा सा एम सी क्यू उसका भी सेक्शन रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को तो ये भारत का रेल तंत्र दुनिया के बड़े रेल तंत्रों में आता है इसके अलावा लंबाई के अनुसार या फिर नेटवर्क के अनुसार भारत का जो रेल तंत्र है ये चौथे स्थान पर आता है है ना हमसे बड़े रेल तंत्र कौन कौन से हैं तो सबसे बड़ा रेल तंत्र अमेरिका का है फिर चीन का है इसके बाद रूस और फिर चौथे नंबर पर हमारा आता है भारत है ना तो दुनिया के बड़े रेल तंत्रों में आता है हमारा भारत का रेल तंत्र इसके अलावा भारत की जो पहली रेल चली थी या फिर रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में चली थी आपको पता ही होगा कई बार आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो 16 अप्रैल 1853 में ये चली थी इसके अलावा यह मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी जिसकी दूरी कितनी थी 34 किलोमीटर या फिर चौंतीस किलोमीटर थी ठीक है और जो भारत की दूसरी लाइन थी इसको 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य बिछाया गया था ना तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखना कि पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के मध्य है ना इस रेल लाइन की लंबाई कितनी थी तो 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी इसके अलावा रेल तंत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए संपूर्ण जो रेल तंत्र होता है इसको हम जोन में बांटते हैं तो देखिए इतना बड़ा हमारा देश है इतना बड़ा हमारा रेल नेटवर्क है तो इसको संचालित करने के लिए इसके अलावा इसका प्रबंधन करने के लिए इसको हम जोन में बांटते हैं ना जस, जैसे हमारा इंडिया है ना ये कई राज्यों में बटा हुआ है इसके अलावा एक जो राज्य होता है उसको सही से संचालित करने के लिए या फिर उसमें सही से प्रशासन करने के लिए उसको संभागों में बांटा जाता है जिलों में बांटा जाता है उसी प्रकार से जो संपूर्ण रेल तंत्र है इसका संचालन करने के लिए इसको हम जोन में बांटते हैं और फिर जोन को भी हम पर डिवीज़न में बांटते हैं है ना? तो वर्तमान में कितने रेलवे जोन है तो वर्तमान में सत्रह रेलवे जोन है अब देखिए यहां पर आप जब नेट पर सर्च करते हैं या फिर मैक्सिमम जगह आपको यहां पर अठारह रेलवे जोन मिलेंगे तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना देखिए जो अभी वर्तमान में रेलवे की ईयरबुक आती है है ना उसमें उन्होंने सत्रह का डेटा दिया है इसके अलावा रेलवे के डेटा के अकॉर्डिंग सत्रह उन्होंने ये डेटा दिया है है ना लेकिन अठारह क्यों मिलता है तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ देखिए दो में एक नया रेलवे जोन बना था जिसको हम बोलते हैं दक्षिण तटीय रेलवे जोन या फिर साउथ कोस्ट रेलवे जोन है ना ये दो में हमारा अठारहवा एक प्रकार से बोले तो रेलवे जोन है है ना अब देखिए ये जो रेलवे जोन बना है अठारहवा ये घोषित तो कर दिया गया है इसको बना तो दिया गया है लेकिन इसने अपनी अभी अपना कार्य करना स्टार्ट नहीं किया है ना तो इसलिए रेलवे का आप जो डेटा देखते हैं उसमें आपको सत्रह रेलवे जोन मिलते हैं इसके अलावा जो अठारहवा रेलवे जोन है वो कौन सा है दक्षिण कोस्ट रेलवे जोन या फिर साउथ कोस्ट रेलवे जोन जिसका मुख्यालय कहाँ है विशाखापट्टनम में है ठीक है तो आपको भी याद रखना है इसके अलावा अठारह भी याद रखना है जिस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना होगा दोस्तों लेक्चर को आगे डिस्कस करने से पहले आपको अपडेट दे दूं क्रेजी जी का ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लासेस का प्रोग्राम इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी देखिए दोस्तों रूट एप्लीकेशन पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्स आप पढ़ सकते हैं जैसे जोग्राफी में वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी रूट एप्लीकेशन पर मुझसे जोग्राफ़ी पढ़ सकते हैं इसके अलावा पॉलिटी का कोर्स वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है इसके अलावा मैथ्स भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके अलावा धीरे धीरे अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करें इसके अलावा रूट एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखने को मिलेंगे यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा इसके अलावा इसकी पी भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी और फ्री टेस्ट वाले यहां पर फोल्डर में आपको क्विज की फॉर्म में ये डेली करंट अफेयर का क्विज बिल्कुल फ्री में देने को मिल जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और विजिट जरूर करें चलिए आगे डिस्कस करते हैं तो चलिए एक एक करके हम सारे रेलवे जोन यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो दक्षिण है ये दक्षिण दिशा है तो यहाँ पर दक्षिण रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है चेन्नई है यदि आप इंडिया के मैप में भी देखते हैं तो चेन्नई आपको बिल्कुल साउथ में मिलेगा तमिलनाडु में इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं इसके अलावा जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय या फिर नॉर्थ रेलवे का जो मुख्यालय है वो वो कहाँ पर है दिल्ली में है इसके अलावा जो पूर्वी रेलवे या फिर पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट में है अब देखिए पहले ये चार रेलवे जोन आप याद कीजिए दक्षिण उत्तर पूर्व और पश्चिम है ना ये चार दिशाएं होती हैं और ये जो चारों दिशाओं में जो अलग अलग शहर हैं ये चेन्नई दिल्ली कोलकाता और मुंबई ये चारों महानगर हैं मुख्य मुख्य है ना और आप यदि मैप में भी इंडिया के मैप में भी इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये चारों कौनों पर स्थित है दिल्ली बिल्कुल उत्तर में मिलेगा आपको कोलकाता पूर्व की ओर मिलेगा मुंबई जो है वो पश्चिम की ओर मिलेगा या फिर वेस्ट साइड में मिलेगा और चेन्नई आपको दक्षिण में मिलेगा ठीक है तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा चार महानगर भी हैं इसके अलावा इंडिया के मैप में भी इनकी लोकेशन इसी प्रकार से है इसके अलावा जो मध्य रेलवे का मुख्यालय है इसका मुख्यालय भी टी है मुंबई है ना जो सी है छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल वहां पर ये मुंबई सेंट्रल का मुख्यालय है ठीक है तो मुंबई में ये दो रेलवे जोन है हमारे एक पश्चिमी और एक मध्य तो ये पांच रेलवे जोन आपको याद होगा ना इसके अलावा जो ये चार रेलवे जोन मैंने आपको बताया इनको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो हमारी रोड कनेक्टिविटी के लिए तो ये भी इन चार महानगरों के मध्य ही है किन किन के मध्य है दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं अब देखिए जो उत्तर मध्य रेलवे है या फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है इसको कैसे याद करना है तो देखिए ये मध्य है है ना यहाँ से आप यदि मध्य से उत्तर की ओर जाएंगे या फिर सेंट्रल से आप नॉर्थ की ओर जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है ना इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद इसके अलावा जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है तो सिकंदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है ठीक है है ना इसकी देखिए डायरेक्शन आप कैसे याद रखना है कि आप मध्य से आपने चलना स्टार्ट किया उत्तर की ओर और, और बीच में रुक गए तो उसको हम बोलेंगे उत्तर मध्य या फिर नॉर्थ मध्य इसके अलावा बीच से आपने चलना स्टार्ट किया दक्षिण की ओर या फिर साउथ की ओर बीच में रुक गए तो उसको क्या बोलेंगे दक्षिण मध्य रेलवे ठीक है तो देखिए इनको आपको क्या याद रखना है बाद बाद से याद रखना है ना जो उत्तर मध्य है और जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये बाद बाद से आपको याद रखना है इलाहाबाद और सिकंदराबाद ठीक है उत्तर में इलाहाबाद है और दक्षिण में सिकंदराबाद है ठीक है यदि आप इंडिया के मैप में भी देखते हैं तो तो उत्तर प्रदेश में आपको इलाहाबाद देखने को मिलेगा और तेलंगाना में आपको सिकंदराबाद देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से भी इनकी डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण में ही होगी है ना तो बाद, बाद से और इनकी डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये याद रखना है तो यहाँ पर हमको कितने रेलवे जोन याद हो गए पाँच और दो सात रेलवे जोन हमने याद कर लिया ठीक है अब अगला है पश्चिम मध्य रेलवे जोन और पूर्व मध्य रेलवे जोन तो जो पश्चिम मध्य का मुख्यालय ये कहाँ पर है जबलपुर में है और जो पूर्व मध्य का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है हाजीपुर में अब इनको कैसे याद करना है तो देखिए इनको याद करना है पुरपुर -पुर से है ना जो पश्चिम मध्य है इसका मुख्यालय जबलपुर में है और जो पूर्व मध्य है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है अब देखिए यदि आप इंडिया के मैप में देखते हैं तो जो जबलपुर है और जो हाजीपुर है ना हाजीपुर बिहार में आता है जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है तो यदि आप इंडिया के मैप में भी यदि इनको आप स्टडी करेंगे तो बिहार आपको मध्य प्रदेश के पूर्व में दिखेगा है ना जबकि मध्य प्रदेश उसके पश्चिम में स्थित है तो उस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूर्व मध्य है वो हाजीपुर है और पश्चिम मध्य जबलपुर है है ना इसके अलावा इनको पूर्वपुर से आपको याद रखना है ठीक है एक बार रिविजन कर लेते हैं देखिए जो चार हैं अलग अलग दिशाओं में वो चारों महानगर हैं या मध्य वाला है या फिर सेंट्रल वाला है ये मुंबई में है इसके अलावा यदि आप मध्य से उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको इलाहाबाद मिलेगा और मध्य से आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो सिकंदराबाद मिलेगा है ना इलाहाबाद और सिकंदराबाद बाद बाद से आपको याद रखना है इसके अलावा मध्य से आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको जबलपुर मिलेगा और मध्य से आप पूर्व की ओर जाएंगे तो हाजीपुर मिलेगा चलिए आगे बात करते हैं तो अगला जो रेलवे जोन है हमारा वो है जयपुर है ना इसको क्या बोलते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे तो देखिए यदि इंडिया के मैप में आप देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत आता है जयपुर राजस्थान राज्य में तो इसकी लोकेशन भी इसी दिशा में आती है उत्तर पश्चिम है ना ये ये उत्तर है और ये पश्चिम है ना, इसके बीच की डायरेक्शन क्या होगी उत्तर पश्चिम तो जयपुर यहां पर स्थित है ठीक है इसके अलावा अगला जो रेलवे जोन है वो है उत्तर पूर्व ये कहां पर है गोरखपुर तो देखिए यहां पर भी पुर है और यहाँ पर भी पुर है ठीक है अब इसको आप यदि इंडिया के मैप में देखते हैं तो ये राजस्थान की लोकेशन भी आपको उत्तर पश्चिम मिलेगी और यहाँ पर गोरखपुर की लोकेशन भी उत्तर प्रदेश में आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगी ठीक है तो ये भी आपको पुरपुर से याद रखना है जयपुर और गोरखपुर ठीक है चलिए आगे डिस्कस करते हैं तो अगला है हमारा दक्षिण पूर्वी रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में अब देखिए कोलकाता में पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय है और दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय है ना इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन वाली है ना इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं तो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी कहाँ पर है कोलकाता में ही इसका मुख्यालय तो देखिए अब यहाँ पर कोलकाता में कितने हो गए टोटल तीन जोन हो गए एक पूर्वी रेलवे का एक दक्षिण पूर्वी रेलवे का इसके अलावा एक कोलकाता मेट्रो का तो आपको याद रखना है कोलकाता में तीन जोन है इसके अलावा मुंबई में दो जोन है आगे बात करते हैं अब देखिए अब आ गया दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है तो बिलासपुर में इसका मुख्यालय है जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है अब देखिए इसको कैसे आपको याद करना है एक यहां पे आप देखेंगे जो दक्षिण पूर्वी रेलवे हमने देखा था इसका मुख्यालय कोलकाता में है ना कोलकाता ऑलरेडी हमने पूर्व में एक देखा था तो यहाँ पर चूंकि ये रिपीट हो गया तो इसलिए हमें इस जो ये वाली आप लाइन देख रहे हैं पूरी है ना तो इसको हमें वापस से एक और देना पड़ा क्यों देना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हमने एक रिपीट कर दिया था ठीक तो है तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ की लोकेशन भी देखेंगे इस हिसाब से यदि आप मैप देखेंगे इंडिया का है ना और इस प्रकार से आप यदि मैप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको बिलासपुर मिलेगा छत्तीसगढ़ मिलेगा तो उस हिसाब से भी डायरेक्शन आपकी इंडिया के मैप के हिसाब से भी मैप में यही डायरेक्शन बैठती है है. अगला है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है ना इसको बोलेंगे सीमांत या फिर फ्रंटियर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत ये कहाँ पर है मालेगांव गुवाहाटी असम है ना तो आप देखेंगे असम बिल्कुल उत्तर पूर्व में स्थित है लास्ट में स्थित है सीमांत मतलब क्या होता है सीमा का अंत बिल्कुल लास्ट फ्रंटियर बोलते हैं इसको है ना तो मालेगांव गुवाहाटी में ये स्थित है तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे तो इतने रेलवे जोन हमने याद कर लिए आगे चलते हैं अगला है अगला है दक्षिण पश्चिमी रेलवे तो इसका मुख्यालय का है हुबली कर्नाटक हुबली कर्नाटक में है है ना अब देखिए आप यदि इंडिया के मैप में भी देखते हैं तो कर्नाटक आपको यहाँ पर मिलता है है ना यहाँ पर ठीक है तो यहीं कहीं हुबली होगा तो इस हिसाब से भी इसकी लोकेशन क्या होती है दक्षिण पश्चिम अब देखिए ये हुगली नहीं है हुगली कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में ये हुबली है ये हुबली कर्नाटक वाला हुबली तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है ठीक है तो इतने आपको याद होगा एक बार हम फटाक से रिवीजन करते हैं देखिए जो तो चार अलग अलग डायरेक्शन में हैं वो कौन कौन से हैं चेन्नई दिल्ली कोलकाता और मुंबई ये चार महानगर हैं और इन्हीं चारों के मध्य स्वर्णिम चतुर्भोज योजना भी है जो कि सड़कों से रिलेटेड है ठीक है तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे इसके अलावा मध्य वाला कहाँ पर है तो ये मुंबई सी में ये स्थित है तो ये पाँच हो गए इसके अलावा मैंने आपको बताया था आप मध्य से उत्तर की ओर जाएंगे और फिर मध्य से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको बाद बाद से याद रखना है इलाहाबाद और सिकंदराबाद वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि याद कराना था इसलिए मैंने यहाँ पर इलाहाबाद नाम रखा है ठीक है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो बाद बाद से आपको याद रखना है इसके अलावा इंडिया के मैप में भी आपको यही लोकेशन इनकी मिलती है इसके अलावा सेंट्रल से जब, जब आप वेस्ट की ओर जाएंगे और सेंट्रल से जब आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये आपको पुरपुर -पुर से याद रखना है जबलपुर और हाजीपुर इंडिया के मैप में भी आप देखेंगे तो बिहार पूर्व में मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के कंपेरिजन में तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं इसके बाद हमने देखा था उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे है ना तो उत्तर पश्चिम जयपुर में है राजस्थान की लोकेशन भी आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में ही आएगा जयपुर यहां पर और उत्तर पूर्व गोरखपुर में है तो उस हिसाब से गोरखपुर आता है इसके अलावा फिर हमने देखा था दक्षिण पूर्वी रेलवे तो इसका मुख्यालय कोलकाता में मैंने कोलकाता में आपको बताया था तीन है पूर्वी कोलकाता मेट्रो और दक्षिण पूर्वी है ना अब इसके अलावा एक आपको अलग से याद रखना है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है ना ये दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन है और बीच में ही हम यहां पर रुक गए थे तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय बिलासपुर में है ना यदि आप इंडिया के मैप में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन भी आपको यहीं पर मिलेगी इसके अलावा एक है उत्तर पूर्वी सीमांत या फिर फ्रंटियर तो ये मालेगांव गोवाहाटी में तो इतने आपको याद हो गए अब दो और बचे हैं तो हम उनको एक बार डिस्कस करते हैं ठीक है चलिए देखिए अब पूर्वी तटीय रेलवे जोन है ना इसका मुख्यालय कहां है तो भुवनेश्वर में है उड़ीसा में ठीक है पूर्वी तटीय या फिर इसको हम बोलेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन इसका मुख्यालय कहाँ है, कहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में और एक और जो अभी 2019 में लेटेस्ट बना है जो हम 18 काउंट करते हैं वो इसको ही मिलाकर करते हैं है ना तो अठारह ये रेलवे जोन है 2019 में ये बना था तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कहा है? विशाखापट्टनम में है ठीक है तो ये दो हो गए तो ये टोटल हमने यहाँ पर अट्ठारह रेलवे जोन को यहाँ पर डिस्कस किया है एक बात आपको याद रखना है दोस्तों जो विशाखापट्टनम वाला जो लेटेस्ट हमारा रेलवे जोन है इसने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया ये अनाउंस हुआ है इसलिए रेलवे ने डेटा देट, में सत्रह रेलवे जोन बताए हैं यदि इसको भी आप मिला लेते हैं प्लस वन कर देते हैं तो ये अठारह हो जाते हैं ठीक है तो ये पूरे रेलवे जोन हमने 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 पर डिस्कस कर लिए ठीक है इसके अलावा और हमने क्या देखा देखा कोलकाता में तीन रेलवे जोन है मुंबई में दो रेलवे जोन है आशा करता हूं सारे रेलवे जोन आपको यहां पर याद हो गए होंगे ठीक है अब हम इन रेलवे जोन के ईयर या फिर फाउंडेशन देख लेते हैं कि कौन सा रेलवे जोन कब स्थापित हुआ था ठीक है तो चलिए देखिए ये ईयर मैंने चार यहां पर लिखे हैं 51, 52, 55 और फिफ्टी है ना अब 51 में कौन कौन से हुए थे तो ठीक है चेन्नई और मुंबई मुंबई में दो थे तो मुंबई के दोनों ले लेना है मुंबई चर्च गेट और मुंबई सेंट्रल सी एस टी ठीक है तो इनकी स्थापना हुई थी कब 1951 में है ना कितने हो गए तीन हो गए दो मुंबई हो गए और एक चेन्नई हो गए ठीक है यहां से आपको चलना है ठीक है क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करना है चेन्नई से कैसे इस प्रकार से हुबली को आपको छोड़ देना है उसके बाद मुंबई में आना है तो चेन्नई रेलवे जोन मुंबई चर्च गेट और मुंबई सेंट्रल इन तीनों की स्थापना कब हुई थी 1951 में हुई थी ठीक है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1951 इसकी भी 1951 और ये सेंट्रल वाले के भी नाइनटीन में हुई थी चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से आगे जाएंगे क्लॉक तो आपको यहाँ इसको भी क्रॉस करना है इसको भी छोड़ना है ना दिल्ली में आना है तो ये है नाइनटीन ठीक है फिर आप यहां से आएंगे दिल्ली से गोरखपुर आएंगे तो यह भी है नाइनटीन फिर आप कोलकाता में आएंगे तो ये भी कब है 1952 ठीक है तो 1952 में कितने हो गए टोटल यहाँ पर हो गए तीन कौन कौन से हो गए दिल्ली गोरखपुर और कोलकाता है ना क्लॉक वाइज हम चल रहे हैं है ना अब देखिए जब आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है जैसे हमने चेन्नई से चलना स्टार्ट किया था तो बीच वालों को छोड़ा था इस साइड के देखिए दोनों को छोड़ा था हमने इस लाइन को छोड़ा था और इस लाइन को छोड़ा था लेकिन आप जब दिल्ली से क्लॉक चलना स्टार्ट करेंगे तो ये मध्य पूर्व वालों को आपको छोड़ना नहीं है तीनों को लेना है दिल्ली गोरखपुर और कोलकाता तो ये तीनों हो जाएंगे होंगे 1952 है ना तो तीन ये हो गए चलिए अब आगे चलते हैं अब अगला आप यहीं से क्लॉक चलेंगे तो आपको मिलेगा कोलकाता वाला है ना ये दक्षिण पूर्व रेलवे तो ये है 1955 तो ये कोलकाता हो गया 1955 अब ये लास्ट बचा 1958 तो ये कौन सा है तो ये है मालेगांव गुवाहाटी वाला उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे या फिर फ्रंटियर वाला है ना ये कौन सा है असम वाला है ठीक है अब इसको याद कैसे करना है देखिए आपने ये चार ईयर लिखे 51, 52, 55 और 58 अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो ये सीमांत हो गया ना इन चारों में ये सीमांत हो गया या फिर लास्ट वाला हो गया तो इसको आप ऐसे याद रखना कि ये यहाँ पर सीमा का अंत हो गया तो इसको हम बोलेंगे सीमांत से याद रखेंगे जो कि असम में है जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत है ना ये मालेगांव गुवाहाटी में तो ये इतने आपको याद होंगे आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है चलिए आगे बात करते हैं अब देखिए 2002 में आ जाइए देखिए 2002 में दो बने थे एक तो बना था आपका हाजीपुर वाला ठीक है और एक बना था आपको जयपुर वाला तो कैसे आपको याद रखना है पुर से याद रखना है पुर से याद रखना है और जो चार वर्ड के नाम हैं है ना पुरपुर -पुर वाले कौन से हैं हाजीपुर है और जयपुर है और दोनों में कितने चार वर्ड आते हैं ठीक है पुरवाली एक और था जबलपुर था और गोरखपुर था तो गोरखपुर तो पहले हो चुका है है ना इसके अलावा जबलपुर में पांच वर्ड हैं तो इसको छोड़ देना है तो 2002 में दो हमें लेना है जयपुर और कौन सा हाजीपुर ठीक है जिनमें चार वर्ड हैं तो ये दो यहाँ पर हमारे हो गए ठीक है आगे बात करते हैं अगला है 2010 तो 2010 में हमारा बना था मेट्रो कोलकाता मेट्रो जो था ये हमारा 2010 में बना था इसके अलावा 2019 में जो लेटेस्ट वाला है हमारा साउथ कोस्ट है ना साउथ कोस्ट वाला जो कि विशाखापट्टनम में है वो बना था इसके अलावा 1966 की बात करूं तो 1966 बस आपको एक अलग से याद रखना है ये वाला है सिकंदराबाद वाला है ठीक है 1966 में ये सिकंदराबाद वाला जिसे हम दक्षिण मध्य बोलते हैं ये बना था तो ठीक है आपको सिकंदराबाद से याद रखना है बस ये एक अलग से याद रख लेना इसके अलावा जितने भी बच्चे वो सब आप दो में डाल देना बस समझ में आ गई इतने मैंने आपको याद करा दिए बाकी जितने बचे वो सब आप 2003 में डाल देंगे एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ देखिए सबसे पहले आपको क्लॉक वाइज चलना है दिल्ली तक आना है यहाँ पर आपको एक छोड़ के लेना है ना आप चेन्नई लिया आपने दोनों मुंबई ले लिए तो ये इंक्यावन हो जाएंगे तो तीन इसमें आ गए इसके बाद आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे क्लॉक वाइज तो आपको कहाँ तक आना है यहाँ कोलकाता तक आना है ईस्ट रेलवे तक आना है ना तो तीनों आप लेंगे दिल्ली गोरखपुर और कोलकाता ठीक है तो बावन में भी तीन हो जाएंगे तीन हो जाएंगे फिर पचपन में आपको सिर्फ एक लेना है ये दक्षिण पूर्वी रेलवे जो कि कोलकाता में है, है ना फिर अंठावन में ये फ्रंटियर चूंकि आपने ये चार ईयर ये लिखे थे और यहां पर ये लास्ट था अंठावन तो आपको इससे फ्रंटियर से, से याद कर लेना है, है ना तो इसका मुख्यालय कहां है मालेगांव गुवाहाटी में फिर 2002 में आएंगे तो पुर से मैंने आपको बताया चार वर्ड वाले जो दो पुर हैं जयपुर हाजीपुर इनका मुख्यालय इनकी जो स्थापना हुई थी वो 2002 में हुई थी 2010 में कोलकाता मेट्रो की हुई थी ये आपको याद रखना है 2019 में किसकी हुई थी जो लेटेस्ट वाला हमारा बना है विशाखापट्टनम में उन्नीस में सिकंदराबाद बाकी जितने भी बचे रिमेनिंग वो सभी दो में आ जाएंगे तो इस हिसाब से आप सारे जितने भी रेलवे जोन हैं उसके ईयर याद कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको सारे ये सारे ये ईयर याद हो गए होंगे ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूँ आपको सारे रेलवे जोन

कहाँ पर है ठीक है तो दक्षिण पूर्व मैंने आपको बताया था, में था कोलकाता में इसका मुख्यालय है इसके अलावा कोलकाता में टोटल कितने तीन रेलवे जोन है कौन कौन से रेलवे जोन है कोलकाता में एक कोलकाता मेट्रो है एक ईस्ट वाला है इसके अलावा एक कौन सा है दक्षिण पूर्वी है फिर साउथ ईस्ट है ठीक है तो तीनों रेलवे जोन आपको याद रखना है इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी दक्षिण पूर्वी रेलवे की तो नाइनटीन 55 में इसकी स्थापना हुई थी चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है है ना उत्तर मध्य मैंने आपको बताया था मध्य से आप उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करेंगे और बीच में रुक जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था बाद वाले दो हैं ऊपर है, है इलाहाबाद और नीचे है सिकंदराबाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे जोन मुख्यालय गोरखपुर कहां पर स्थित है तो गोरखपुर आपको पता ही होगा आसान सा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है यहां पर कौन सा मुख्यालय है तो नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्वी रेलवे का यहां पर मुख्यालय है ठीक है देखिए एक दो बार आप मेरी वीडियो को देख जरूर लीजिए जिस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पर समझाया है यदि एक दो बार भी आपने देख लिया और एक बार खुद से मैप बना लिया तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको दिमाग में रह जाएंगी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर आपने एक बार अच्छे से देख लिया तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वरना आप रटने बैठेंगे तो रटते रहेंगे और एग्जाम में कन्फ्यूज़ होंगे अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे एक जोन का मुख्यालय कहाँ पर है है ना दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे तो ये मैंने आपको बताया था बिलासपुर में इसका मुख्यालय है यदि आप इंडिया का मैप बनाते हैं है ना ये इस प्रकार से इस प्रकार से आप डायरेक्शन बनाते हैं तो ये वाला होगा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे और छत्तीसगढ़ भी आप देखेंगे यहाँ पर है यहाँ पर मध्य प्रदेश है है ना तो उस हिसाब से भी इसकी लोकेशन कहाँ आती है बिलासपुर या फिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसकी लोकेशन आती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है पश्चिम मध्य अब देखिए मैंने आपको बताया था सेंट्रल से आप वेस्ट या फिर पश्चिम की ओर जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे तो उसको बोलेंगे पश्चिम मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो जबलपुर में है ना इसके अलावा मध्य से पूर्वी की ओर जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे तो यहाँ पर है हाजीपुर ठीक है तो पूर्व मध्य हाजीपुर है और पश्चिम मध्य जबलपुर है तो इसका आंसर हो जाएगा सी जबलपुर इसका आंसर हो जाएगा चलिए अगला है निम्न में से किस एक शहर में तीन रेलवे जोन है तो अभी मैंने बताया कोलकाता में तीन रेलवे जोन है एक ईस्ट है इसके अलावा एक साउथ ईस्ट है इसके अलावा एक मेट्रो वाला है, है ना मेट्रो की स्थापना 2010 में हुई थी ठीक है तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है पूर्वी तटीय ये कहाँ पर है भुवनेश्वर में है मैंने आपको बताया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट या फिर पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन का मुख्यालय है अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है लेटेस्ट कौन सा है यह है विशाखापट्टनम इसको बोलते हैं साउथ कोस्ट रेलवे जोन अभी बताया था मैंने 2019 में इसको अनाउंस किया गया था लेकिन कार्य करना स्टार्ट नहीं किया है इसने है ना तो अभी इसलिए 17 रेलवे जोन बोलते हैं लेकिन प्लस एक कर देंगे तो ये 18 रेलवे जोन हो जाएंगे चलिए अगला है दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब की गई थी तो दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना सबसे पहले तो ये बताइए कि दक्षिण मध्य जो रेलवे है है ना ये कहाँ पर है तो सिकंदराबाद में है इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई थी मैंने आपको बताया था सेंट्रल से आप दक्षिण की ओर जाएंगे बीच में रुक जाएंगे तो उसको बोलेंगे दक्षिण मध्य और ये बाद वाले दो हैं ऊपर इलाहाबाद और नीचे सिकंदराबाद तो दोस्तों ये थे हमारे दस महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है ना आशा करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए और एक बार आप अपने हाथ से सारे मैप को बना के देख लीजिए तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होंगी यदि दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें धन्यवाद